खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे खनौरी पातड़े रोड पे हाँ, और जहाँ तक गग्गर गुजरा है और उस साइड देखोगे तो अपना भाखड़ा दिखेगी, और इस साइड जावे जो गग्गर है, और जो इस साइड जो आप पानी देखने लग रहे हो जहाँ तक भी कैमरा की नज़र जावे है, जितनी दूर तक भी जावे है, सारा का सारा पानी बहुत ज़्यादा हाइट पर है। मैं खंबा तो अंदाज़ा लगा सकूँ कि जिस जगह पर खंबा है, खंबा की कम से कम भी 20 फुट तो हाइट आराम तो होती होगी, 20 तो 25 फुट का खंबा हुआ है, और इस टाइम पे मेरे हिसाब से 10 फुट का खंबा बच रहा होगा, बस 10 फुट का खंबा बच रहा है। तो 10 फुट का खंबा यानी कि 15 फीट पानी इस टाइम पे यहाँ पे है, और जो पानी की स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सको कि परली साइड दिखा दे, एक बार थोड़ा सा परली साइड दिखा दे किस प्रकार का पानी उफान मारने लग रहा है, और स्पीड बहुत ज़्यादा है। उरली साइड तय जो पुल है, पुल की साइड तक जो थोथापन है वो बन गया, क्योंकि पानी की टक्कर इतनी तेज़ है कि इसकी टक्कर मारने वाला जो सड़क है और पुल है तो वो दोनों जगह तय थोथा हो गया है। आप यहीं तय हो जी? नहीं जी, बरटा। बरटा से? तो बरटा तय, तो आपने कब पता चला था इसका बारे में? कल चला था। आप आए थे यहाँ पे? हाँ जी, कल आकर गए। तो पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ने लग रहा है, घटा है? बढ़िया जान का बढ़िया, कल तो बहुत दिक्कत रोज होता, आज नहीं दिखता। आज सारा सौदा साफ है? हाँ साफ, आज कल मक्की मुक्की ही भोंकड़ी दिखे थी, आज ओड़ा ओड़ा दिखा सो मक्की पूरा को सारा, वो मक्की दी भोंकड़ी दैड़ी, आज नहीं कुछ भी है। तो कितने गांव डूब गए होंगे इस टाइम? माँ तो घटते नहीं जी, उन्होंने सारे डेरे तबाह हो रहे हैं, इनमें कहा कोई गया संभाल, कौन जीव है कौन मर गया, यह भी बात है ना, कोई किश्ती ना कुछ है रहा है। और जिस तरह का भाव है नहीं, जिस तरह का ये स्पीड है, तो कौन सा भी नेड़ा लगने की मत नहीं करता होगा, किसी की भी मत नहीं है, कौन जावेगा, कोई तिर नाला रह रहा, कोई तिरका बग जाएगा, पहले तिरका बगते करते। तो प्रशासन का कुछ सहयोग है? कुछ नहीं है रहा, एक किश्ती लगनी आई है, लग दो अब इन डेरिया भी रोगा देख लिया, कोई किसी का कोई डा नहीं है, कहेगा भी। तो आगे कितने जो गांव हैं वो डूबने की संभावना है? सारे डूब गया एरिया, जम बाटे तक जाता, कड़ियाँ लग जाइए खड़ा, सारा एरिया गया खत्म है, जिस तरह ही उरे तो है नहीं, यही चीज़ है दुर्लभ, साफ़। यहाँ पे जहाँ पे भी नाके लगा रखे हैं, एक एक पुलिस वाला बैठा है, इसके अलावा यहाँ पे कोई नजर नहीं आया है। जो जितने भी है वॉलंटियर का काम है या फिर लोगों की जान बचाने का काम है, वो सारे के सारे जो गांव वाले हैं वो सारे के सारे खुदे करने लग रहे हैं, और पुलिस प्रशासन का एक अधिकारी यहाँ पे नजर आया है, बाकी तो कोई नजर यहाँ पे नहीं आने लग रहा है। और यहाँ पे कट हो गया है, इस टाइम पे कट हो गया, और दो गड्डियां वहां पे पलट गई थी, मोटरसाइकिल वाले हैं वो पानी में चले गए थे, और दूसरे ड्राइवर भाई हैं ना वो गाड़ी वाले तो निकाल लिए थे, लेकिन मोटरसाइकिल वाले नहीं निकाले थे। तो जो वॉलंटियर का काम है वो भी गांव वाले करने लग रहे हैं, और जो रात का काम है वो सारे के सारे करने लग रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन का सिर्फ एक अधिकारी यहाँ पर मौका पर है, और उसी साथी सेवा पर बात करें, आइयो सर एक बार आ जाओ। यहाँ पे पुलिसकर्मी सिर्फ एक है, पुलिसकर्मी है। अच्छा जी, नहीं वो गांव वाले कह रहे हैं कि जो डेरिया में है संभालने का अभी तक इतना काम नहीं हुआ है। वो एनडीआरएफ की टीम परले पास खड़ी हुई है, बिल्कुल आई हुई है, वो अपना प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे किश्ती लेकर नहीं पहुँचा है, या किसी तरह से कोई भी इस साइड तक किश्ती की कोई लोड़ नहीं है, जरूरत नहीं हैगी, अगर जरूरत पैंती है सानू फोन आता तो असं नाल दी नाल उत्थे भेजदे आ। जिहड़े पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलता पे, वो परली साइड पानी दे एनडीआरएफ की टीमां लगियां हुई हैं बकायदा। हाँ जी, तो कितने गांव जपेट में आए हैं अभी तक आपने? इत्थे नेड़े नेड़े जिन्ने एरिया पैंदा इत्थे गिनती तो उन्होंने हुण किन्ने करिए, वो सारे ही आए हैं लगभग, घग्गर का परला पासा भी ते चाहे इस पास भी, दो पास ही सारे चपेट च ने। तो सारे के सारे गांव खाली करने की नौबत आई है या फिर सारे अभी बचे हुए हैं? नहीं नहीं, गांव खाली करने की नौबत नहीं आई, असल की है पिंड पुराने ने, इत्थे पानी पहला भी आता हुंदा सीगा, उच्चे पिंड बने हुए ने, पिंडा च नहीं जी दिक्कत है जी, जो डेरे वाले से डेरे वाले आप रेस्क्यू कर ले हुए लगे भी हुए ने, टीमां लगी हुई हैं दूजे पास लगी। तो डेरे में अभी किसी प्रकार की कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी कल ही पहुँचा यहाँ पे। ये पानी आने तो पहले ही साडा इत्थे सी लोकल प्रशासन साडा सी, साडे ही पहले ही उन्होंने अलर्ट किया होया सी, जो साडी बणदी है सी तैयारियां सी पहले के कर लीआं सी, ताकि किसी तरह का सानू कोई खतरा जो आउंदा है असीं पहले उहदा कर सके, वो साडी तैयारियां जिहड़ी कीतियां होईआं सीगीआं उहनू असीं पहले ही उहदा नजिठ कर चुके सी, उहनू सानू फायदा मिल रहा उस चीज़ का। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान की तो कोई वो नहीं? नहीं जी नहीं। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ में, और यहाँ पे एक कट बनाया है क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, और जो पुल के साइड में तय है जो स्पेस है वो बन गया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो खतरा है यहाँ पर बने हुआ है, और यहाँ तक कटने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, और आपने जगह जगह पता भी
तो किस पर देखिए ट्रांसफार्म जो वहाँ पे ट्रांसफार्म है वो भी देखियो भाई, 25 फुट का मैदा अभी वो सारा का सारा 6-7 फुट का दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ 6-7 फुट का ही वो ट्रांसफार्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि है कि करीबन 19-20 फुट पानी यहाँ पर मौजूद है और लगातार पानी की जो मात्रा है वो बढ़ती जाने लग रही है। उस साइड भी पानी का उफान एक बार दिखा दें, एक बार तो पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात तक लगा सको हो कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही भयंकर उफान इस टाइम पर पानी का है। और हो सकता है कि जो पुल है पुल ने भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जगह बनाई गई वहाँ पर स्पेस बनाया गया है, पुल ने भी खतरा उसका है। क्योंकि जब पानी नीचे घुस जाएगा तो पानी के सामने कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत है वो टिक नहीं सकती। तो आप देख लो भाई, एक बार मैं कैमरामैन तय कहूँगा कि देख कितनी ऊंची लहरें हैं जो वहाँ पर नज़र आने लग रही हैं, और इसकी चपेट में अगर कोई कितना भी बड़ा व्हीकल क्यों नहीं है, कितने भी बड़ा कोई अपने आप में तुरम खां भी है तो वो भी नहीं डट पाओगा। और बहुत ही ज़्यादा जो उफान पर है यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे सैकड़ों गाँव डूब गए हैं भाई। लगातार जो NDRF की टीम है वो भी लगातार लगी हुई है, गांव वाले हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं और लगातार सारा का सारा जो अमला है वो जुटा खड़े है। लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं लेने लग रहा है, काबू में नहीं आ रहा है अभी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसकी काबू में कर ले। फिलहाल जो आगे की भी जानकारी है वो आपने प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और अपना के कुछ मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।